इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंचा शंभू बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। किसानों की बात हमने सुनी, उन्होंने बेहद बेफिक्री से पुनीत ये कहा कि उनके लिए ये बैरिकेडिंग को हटाना कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये दिल्ली वालों की, एनसीआर वालों की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। जब इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर्स लेकर, गाड़ियां लेकर दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से एक हम ये कहें कि अपनी बस्ती बसा लेंगे, तो दिल्ली एनसीआर वाले सड़कों का सहारा कैसे लेंगे, कैसे अपने गंतव्यों तक पहुंचेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर की हैं और ये तस्वीरें वाकई में थोड़ी परेशान करने वाली दिल्ली एनसीआर वालों के लिए इसलिए है क्योंकि उनका तो चक्का जाम होना यहाँ से तय नजर आ रहा है। और सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त कि कैसे किसानों को मनाएं, क्योंकि वार्ता फेल हो चुकी है और किसान संगठन के नेता ये कह चुके हैं कि इस बार बातचीत से समाधान नहीं बल्कि सरकार के एक्शन की आवश्यकता है, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। अंबाला हाईवे की ये तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आप तो देखिए शंभू बॉर्डर पर है और अंबाला से जो ट्रैक्टर्स कूच करते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वाकई में लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाले हैं और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि इन्हें मनाएंगे कैसे, वापस लौटाएंगे कैसे। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, और ये चुनौती जो है और ज्यादा तब बढ़ जाती है कि जब ये अपना पूरा मन बना चुके हैं कि दिल्ली जो है वहां पर ये पहुंच के रहेंगे। और मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं, यहां पे तो आप दूर तक आपको नजर जाएगा तो ट्रैक्टर जो है वो लगभग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं, पूरा काफिला आपको नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर पूरे ट्रैक्टर जो है अभी वहाँ पर एक एक करके वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद वो एक एक करके आगे बढ़ना शुरू होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको तो किसानों का पूरा जो एक तरह से बाढ़ जो है वो शंभू बॉर्डर पर नजर आएगी। पूरी बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं और वो इस वक्त जो सामने आप किसान देख रहे हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर ही चढ़े हुए हैं, जो सीमेंट्स के जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। बीच बीच में हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है एक चेतावनी के रूप में अनाउंसमेंट की जाती है कि आप यहाँ से हट जाइए, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन किसान जो है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है या हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो भी पूरी तरह से अपना धैर्य अपनाए हुए हैं। 7 लेयर की यहाँ पर जो है एक तरह से बैरिकेटिंग की गई है, पहले सीमेंट की बैरिकेटिंग है, उसके आगे कील लगाई गई है, उसके पीछे फिर से सीमेंट की बैरिकेटिंग, उसके अंदर सीमेंट भरा है, उसके पीछे कंटीले तार लगाए गए हैं। इस तरह से 7 लेयर की जो है सुरक्षा यहाँ पर की गई है, लेकिन पिछली बार भी इस तरह की सुरक्षा थी और किसान इस सुरक्षा को धत्ता बताते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। और अभी तक आप सामने देखें तो लगातार जो किसानों का जो समूह है, लोग लगातार कि उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पैदल ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ट्रैक्टर अभी पीछे कतार में आपको वहाँ पर नजर आएंगे और जाहिर तौर पर जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तो दिल्ली वालों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर जाम जैसा कि आपने बोला कि लगना तय है। जी हाँ बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें, अंबाला हाईवे की ये तस्वीरें हैं। ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का पूरा पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन को है, क्योंकि दो ऐसी खबरें हैं जो इस को स्पष्ट कर देती हैं। पहली खबर तो यही कि जब किसानों का ये कूच शुरू हुआ दिल्ली की तरफ तो पंजाब की ओर से सारे रास्ते खोल दिए गए, उन्हें दिल्ली जाने दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जब दिल्ली पुलिस ने ये मांग की दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, कि आप हमें इस स्टेडियम को, बवाना स्टेडियम को एक अस्थायी जेल बनाने दें, तब इस मांग को ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अन्नदाता है। ये तो बात हुई पॉलिटिक्स की, लेकिन आज जो ये तस्वीरें हैं पुनीत, किसानों के साथ समाधान खोजा कैसे जाएगा? अगर हम कमिटीज की बात करें तो इस वक्त सरकार की ओर से कौन कोशिशें कर रहा है, कितनी बातचीत हुई है? देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान कैसे निकलेगा, और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन बातचीत कैसे होगी? क्योंकि कल 5 घंटे पहले, उससे पहले 8 तारीख को बातचीत हुई, उसमें लगा कि कुछ उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि ज़्यादातर मांगे जो है वो मान ली गई हैं, कल भी ये कहा गया कि काफ़ी मांगे जो है वो मान ली गई हैं, लेकिन पेच फंसा MSP को लेकर। किसानों का ये कहना है कि MSP पर गारंटी कानून चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, तभी वो पीछे से हटेंगे, अदरवाइज वो अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। लेकिन MSP पर गारंटी देना अभी सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं है MSP पे गारंटी देना। उसके अलावा कुछ उनकी मांगे थी कि किसानों के ऊपर जो उनको पेंशन दिया जाए, जो कर्जा मुक्ति है वो
पूरी तरह से कर्जा मुक्ति की जाए। तो उनका ये कहना था जो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कॉरपोरेट बैंक है उनके जो कर्जा माफी वो की जा सकती है, लेकिन किसान जो थे उनका ये कहना था कि जो नेशनल लेवल पर जो बैंक है उनसे भी कर्जा मुक्ति जो है वो होनी चाहिए। पुनीत, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई नई मांगे नहीं है, ये मांगे तब भी थी जब किसानों ने धरना दिया था, ये मांगे तब भी थी जब ये आंदोलन समाप्त हुआ था सरकार के आश्वासन के बाद, लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई, तभी तो ये किसान आगे बढ़े हैं। अब समाधान निकलेगा कैसे? अगर हम कमिटीज की बात करें, मसलन अगर हम केवल हरियाणा और पंजाब की ही बात करें, तो केंद्र सरकार की ओर से या फिर राज्य सरकार की ओर से क्या किसानों से बातचीत करने के लिए नेता पहुंचे? जी देखिए, जाहिर तौर पर ये किसान जो है राज्य सरकार के लेवल की अभी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इसमें बातचीत कर रही है। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा वो दोनों यहाँ पर थे, पिछली बार तो नित्यानंद भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो जाहिर तौर पर लगातार जो है केंद्र के संपर्क में है राज्य सरकारें भी, और राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार की ओर देख रही है कि कोई वो रास्ता निकालेंगे। और जाहिर तौर पर, और क्योंकि कल भी जिस तरह से हरियाणा के मंत्रियों का बयान आया, पंजाब के मंत्रियों का बयान, उनका यही कहना था कि बातचीत से रास्ता जो है वो निकल सकता है, लेकिन बातचीत कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या जो किसान नेता हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? कल वो जरूर वहाँ पर 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा ये निकला कि किसान जो हैं वो अब सड़कों पर हैं और वो दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, और एक एक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार किसानों का जो समूह है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके ठीक जो है लगातार किसान जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है, किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ संख्या तो हजारों से भी ज्यादा दिखाई दे रही है, हजारों की संख्या में ये भीड़ दिखाई दे रही है। पहले हम ये मानकर चल रहे थे कि शायद सैकड़ों की संख्या में आएंगे किसान, लेकिन अब इन तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है, जो तस्वीर आप शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं या फिर अम्बाला हाईवे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं। किसान नहीं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, ट्रालीज हैं, अगर एक ट्रैक्टर के ऊपर 5 किसान भी लगाएं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सामने मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था ड्रोन से, किस तरह से नज़र जो है वो रखी जा रही है। ड्रोन हरियाणा की तरफ से आया है, उससे नज़र रखी जा रही है, ड्रोन लगातार हर मूवमेंट पे नज़र रख रहा है, और यहाँ तक कि इस बार तो ड्रोन से कल जो है आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे, ये भी तस्वीर जो है वो सामने आई थी। जी पुनीत, एक और जानकारी दें कि ये किसान कितने दिनों की तैयारी करके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा हमने देखा था बकायदा एक टेंट सिटी वहाँ पर तैयार कर ली गई थी, अस्थायी आवास तैयार हो गए थे, खाने पीने राशन के लिए हर चीज़ की सुविधा साथ लेकर किसान निकले थे, इस बार तैयारी कितने दिनों की है? देखिए जाहिर तौर पर पिछली बार जैसी ही तैयारी किसान इस बार भी लेकर चले हैं। सामने जो ट्रैक्टर जो नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से जो है ये देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से उनको तरपाल से कवर किया गया, जो ट्रैक्टर जो है उनको तरपालों से कवर किया गया है, और उसके अंदर बकायदा रसद जो है वो रखी गई है। कुछ एक ट्रैक्टर तो ऐसे हैं मीनाक्षी यहाँ पर जिनके अंदर मिट्टी भी भरी हुई है, वो इसलिए कि अगर रास्ते में अवरोध आएंगे तो उनको साथ के साथ भरा जाए। ये भी कहा गया कि कुछ किसान तो ये बता रहे हैं कि जेसीबी मशीन भी साथ चल रही है कि जो हर्डल्स आएंगे सबसे पहले, क्योंकि चुनौती जो है किसानों के सामने शंभू बॉर्डर होगा, शंभू बॉर्डर के हर्डल्स है, यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, सबसे पहले चुनौती जो होगी किसानों की उसको पार करना होगा। जब ये पार कर लेते हैं उसके आगे ज़्यादा हर्डल्स जो है वो नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस तरह से किसान जो है इस वक्त यहाँ पर टेक्निकली देख सकते हैं आपकी ड्रोन से नज़र रख रही है, क्योंकि सामने ट्रैक्टर्स जो हैं वो खड़े हैं, और इसी वजह से जो हरियाणा पुलिस है वो भी इसी तरह से अपनी जो रणनीति है वो बनाएगी कि किस तरह से ये सारे जो यहाँ से विजुअल जो है वो ड्रोन के माध्यम से कैप्चर जो है वो किए जा रहे हैं। ये ड्रोन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लगातार जो है वो आकाश में जो है उड़ रहा है, और ये लगातार इस पर मूवमेंट जो है वो रखे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है तो कितनी भीड़ यहाँ पर हुई उसको कैप्चर करता है और वापस आता है। लेकिन सरकार के सामने इस वक्त चिंता ये जो है वो हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार के सामने यही चिंता है, केंद्र सरकार के सामने भी इस वक्त चिंता, और किसान जो है इस वक्त वो चाहते हैं कि MSP पर गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत का जो पेच है वो यहीं पर फंसा है। MSP पर अगर बात क्लियर हो जाती है उसके बाद बाकी जो मांगे थी उन पर लगभग जो थी सहमति वो बन गई थी।
बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा वहां पर लगातार बने हुए हैं। पुनीत, आप कोशिश करें अगर कुछ किसानों से भी आप बात कर पाते हैं, या कुछ ट्रैक्टर्स किस तरीके से तैयारी के साथ निकले हैं, अगर वो तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखा पाते हैं, क्योंकि वाकई में ये दिल्ली NCR वालों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। वो तमाम लोग जो अपने दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, वो बच्चे जो अपने स्कूलों के लिए निकलते हैं, वो एम्बुलेंसेस जो अस्पताल जाने के लिए निकलती है, वो नौकरी पेशा के अलावा वो व्यापारी जो अपनी अपनी दुकानों को पहुंचने के लिए निकलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। और सरकार के लिए तो ये चुनौती है ही, अब देखना ये होगा सरकार इस चुनौती से कब तक पार पा पाती, और विपक्ष के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है।